खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कहा कि प्रदेश के लोगों ने उनकी लूट का मॉडल देखा है, ये लोग लूट मचाने वाले लोग हैं और उनके वास्तविक कारनामे देखते हो तो कन्नौज की घटित घटना और नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नौकरियों में वसूली होती थी, चाचा और भतीजा लूट किया करते थे, दोनों समान रूप से भागीदार हुआ करते थे। और कहा कि जब वसूली ज्यादा हो जाती थी तो चाचा को धक्का दे दिया जाता था और भतीजा बैग लेकर भाग जाता था। समाजवादी पार्टी परिवार पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह दुनिया के अलग अलग द्वीपों में द्वीप खरीदे होंगे लेकिन हम लोगों को इसी देश में रहना है। इशारों पर चाचा पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, चाचा की नियति ऐसी है कि फटकार खाकर भी वहीं पड़े रहना है। कहा कि हमने कहा था कि हिंदुओं को आस्था का सम्मान करेंगे, आज आप देख रहे होंगे काशी में विश्वनाथ धाम है, आप देख रहे होंगे अयोध्या में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, अयोध्या के मामले में अब कोई संदेह है क्या? और मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी। कहा कि जब मैं आया 2017 में तब मैंने सभी जेल थानों में धूमधाम से मनाने के लिए कहा। बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, ये धरती चरण ऋषि के साथ जुड़ी हुई है जिसका समुद्र है और इस धरती का समान देश की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक पाने वाले को छिन्न किया, आज पर गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग। आपने इनके कारनामों में देखा होगा, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके खिलाने के वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देख रहे हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को उन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए गरीब कल्याण के लिए धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थे उसमें लूट मसूर किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां लगी गई। अब आप देख रहे हो कि कल ही कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 7200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या?
बहुत ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर यही लूट खसोल बची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। पैदा भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी, इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, इन लोगों ने वो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धरता धाकर के वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों भाइयों, और उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को हारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। मैं आपको आह्वान करूंगा, आज तो प्रदेश में धंधा नहीं हो रहा, आज तो प्रदेश में घुटाई होगी।